अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है वर्ड प्रोसेसर। जी, चैप्टर नंबर 2 वर्ड प्रोसेसर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या कुछ आ जाना चाहिए। तो नंबर 1, हमें जो जो चीज़ इसमें आ जानी चाहिए, डिफाइन द पर्पज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हमें पता चल जाएगा कि वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, उनका पर्पस क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई, यानी कि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे एंड यूज और इस्तेमाल कर सकेंगे वेरियस फीचर्स फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को एडिट करने के, फॉर्मेट करने के डिफरेंट फीचर्स को हम समझ सकेंगे और उसको यूज कर सकेंगे। यूज शॉर्टकट कीज कमांड्स, हम शॉर्टकट कीज कमांड का इस्तेमाल देखेंगे और ये देखेंगे कि टाइप इन उर्दू यूजिंग उर्दू, हम वर्ड प्रोसेसर में उर्दू को कैसे टाइप कर सकते हैं। और यूज डिफरेंट प्रिंट ऑप्शन फॉर प्रिंटिंग, हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के ऑप्शन को यूज करते हुए। जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा रिविजन जरूरी है क्योंकि हम नया टॉपिक जब भी पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है लेकिन वो कैसा सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज डेवलप्ड टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इसलिए बनाए जाएं जो कि यूजर के लिए कोई स्पेसिफिक किस्म का टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैलकुलेटर पे चाहिए, मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया गया है जैसे कैलकुलेटर, वो क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि जिसपे जो है मैं मूवीज देख सकूँ, तो जैसे कि यूट्यूब हमारे लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम इंटरटेनमेंट ले सकें, जैसे कि मूवीज देख सकते हैं, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, टीवी शोज देख सकते हैं, और विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे पास इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कोई चीज़ बना सकें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि अभी हम पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि जिसकी मदद से हम कोई ना कोई चीज़, जैसे कि हम लेटर बनाएंगे, जिसकी मदद हम कोई शीट बना सकते हैं, हम कोई जैसे कि अभी हमें आपको पावर पॉइंट पे लेक्चर देनी है, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। और थर्ड टाइप की जो सॉफ्टवेयर है वो है एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से मैं एजुकेशन, बच्चों को तालीम दे सकूं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये बहुत सारे इंटरनेट पे देखें, आपके पास विकीपीडिया हो गया, एमएस टीम हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अब एक्चुअल में हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी कि वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कंपोज करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, यानी कि कोई चीज़ अगर बनी है तो उसको चेंज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि हमें उसका अंदर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना, और उसको प्रिंट करने के लिए, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपोज करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। इट हैज़ वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस एट होम, बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। ये जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है इसके बहुत सारी एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे कि घरों में, बिजनेस में और डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। फॉलोइंग आर सम अवेलेबल वर्ड प्रोसेसर, कुछ हमारे पास वर्ड प्रोसेसर जो हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि अभी मैं इसके हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर इसको पढ़ाया भी जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही आइकन आ गया। एप्पल आई वर्क, ये देखेंगे एप्पल आई वर्क है, ये ज़्यादातर जो है वो एप्पल्स की मशीन पे होता है। इसके अलावा गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स जो है वो हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, हम इसको जो है बस वो जैसे मैंने आपको बताया था क्लाउड प्रोसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यानी कि क्लाउड पे होता है ये सॉफ्टवेयर, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता है। अब हम एक्चुअल में चलते हैं वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो हम उसको कैसे देखेंगे, उस पर काम कैसे करेंगे। तो उसके पे काम स्टार्ट करने के यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने का जो बुक में मौजूद है वो चार तरीके मतलब चार स्टेप है कि हम कैसे खोलेंगे। नंबर वन, बींग बाय क्लिकिंग ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप के लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्टार सॉरी एक बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे हम एक आई। उसके बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हम वर्ड में जाएंगे, और जैसे ही हम वर्ड पे जाएंगे हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन सामने आ जाएगी। वहां से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है यू हैव द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वहां पे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, ओपनिंग अ रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन होगा, और चूजिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट, हम किसी टेम्पलेट को भी ओपन कर सकते हैं, और लास्ट में ज्यादा क्या है मतलब अगर जो मेन जनरली जो है सिलेक्ट हुआ हुआ होता है पहले से वो होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि बस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी सिलेक्शन हुई भी होती है और हम उस पर क्या काम कर सकते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमें सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने आपको चार स्टेप बताया एक्चुअल में ये हम किस तरह से काम करेंगे। मैं आप आगे वीडियो देखिए जो कि शुरू हो रही है। हमने स्टेप्स पढ़े थे जो चार स्टेप जो पड़े उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्किंग स्टार्ट करी। जो पहला पॉइंट था उसमें कहा था कि बीइंग बाय क्लिकिंग ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, तो ये जो पूरा का पूरा सामने आपके सामने दिख रहा है ये डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप का ये जो लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन है स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमने क्या करना है इस बटन पे क्लिक करना है। जी ये हमने क्लिक कर दिया। इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमसे कहा गया स्टेप नंबर टू में कि फ्रॉम ऑल प्रोग्राम क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है जी, अब हम इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कहाँ है। अभी हम इसको नीचे करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और ये आ गया हमारे पास एम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके अब हम दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे अब हमने इस पर क्लिक किया, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा होगा और ये देखिए आपके सामने आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो हमारे सामने जो है वो आ जाएगा। अब इसमें से जो है वो हमने क्या करना है, इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर थ्री था कि यू हैव द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपनिंग अ रिसेंट डॉक्यूमेंट और चूजिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है और ये ओपन ऑलरेडी जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है उसका भी ऑप्शन आ रहा है और ये हमारे पास ये टेम्पलेट के भी ऑप्शन आ रहे हैं कि हम किस टाइप के टेम्पलेट पे जाना है। लेकिन हमें सिंपल सा ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है तो जनरली हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हुआ होता है। इसमें मैं क्लिक करूँगी और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम गए थे उसका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि हमारा वर्ड प्रोसेसर है उसका डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो। जी बच्चों, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक और पोर्शन की तरफ जिसे हम कहते हैं रिबन। व्हाट इज रिबन, आगे बढ़ते हैं। जी तो रिबन क्या होती है, द रिबन इज द वर्क पर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिल्कुल टॉप पर एक बार होती है जिसे हम रिबन कहते हैं। Hiding and unhiding the ribbon is optional by clicking on the upper right hand corner of the page. Ribbon को hide करना unhide करना optional है, यानी कि हमारी मर्जी होती है हम उसको जो है hide रखें या unhide कर दें। उसको हम कैसे hide और unhide कर सकते हैं, right corner पर upper right hand corner पे एक option होता है उस पर हम click करते हैं उसकी मदद से हम उसको hide और unhide कर देते हैं। ये जो सारी चीज़ें ये मैं आपको आगे tutorial में बताऊंगी भी कि ये सारी क्या ribbon होती क्या है इसको कैसे hide करेंगे unhide करेंगे। There are three parts in the ribbon. Ribbon के three parts होते हैं, number one tabs, number two groups, नंबर थ्री कमांड्स एंड बटन। जैसे कि अगर मैं अब छोटा सा आपको बताती हूँ, आप एक देखें पिक्चर शो हो गई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये रिबन है। ठीक है, अब इस रिबन के अंदर ये एक पूरा ग्रुप है जो कि आपके टेक्स्ट के लिए होगा। उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट किस्म की कमांड है, जैसे कि ये आ गई आपके पास कलर के लिए, इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट फैमिली। ठीक है, मेन्यू रिबन, ठीक है, एक और ऑप्शन एक और है हमारे पास मेन्यू रिबन। फ्रॉम द फाइल टैब मेन्यू रिबन, यानी कि रिबन के अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइल का टैब, उसके अंदर हम यू कैन ओपन सेव और क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं,
सेव कर सकते हैं और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय क्लिकिंग ऑन ओपन एंड ब्राउजिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट। हम किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन के टैब पे भी क्लिक कर सकते हैं। स्क्रॉल बार एक और ऑप्शन है। स्क्रॉल बार क्या होती है? अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार कॉमनली लोकेटेड ऑन द फार राइट और बॉटम ऑफ अ विंडो दैट अलाउ यू टू मूव द विंडोज व्यूइंग एरिया अप डाउन लेफ्ट और राइट। एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल बार होती है जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट पे होती है, जो कि या तो नीचे की तरफ होगी या फिर आपके राइट तरफ होगी, जो कि यह अलाउ करती है हम अपने डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट क्या कर सकें, मूव कर सकें। जैसे कि अब कुछ आपके सामने सर शो हो रही है, एक हमारे पास स्क्रॉल बार की। उसके बाद चलते हैं हम स्टेटस बार। व्हाट इज स्टेटस बार? स्टेटस बार क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्लेज स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम की तरफ हमारे पास एक बार होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार। वर्ड स्टेटस बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन। वर्ड स्टेटस बार क्या करती है? इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है सच एज वर्ड काउंट। क्या इन्फॉर्मेशन होगी उसमें? वर्ड काउंट टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में वर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, हम कौन से करंट पेज पर मौजूद हैं। ये अभी जो छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है रिबन का, स्क्रॉल बार का, स्टेटस बार का, अब इसको मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाकर समझाती हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आप भी कहें स्टेटस बार इस तरह की होती। अब जो हमने डिस्कस किया था रिबन के बारे में उसको मैं बताती हूँ। अब देखिए अभी जो पूरा का पूरा आपके सामने शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका रिबन कहलाता है। इस रिबन का जो देखो ये कहाँ है, सबसे टॉप पर मौजूद है ये जो रिबन है। इसको हम क्या कर सकते हैं? हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। कहाँ पे? राइट अपर कॉर्नर पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पूरे क्या है? कंट्रोल टैब है, यानी कि बंद कर देना डॉक्यूमेंट को, रिस्टोर कर देना, मिनिमाइज कर देना। यहाँ पे देखें आपके सामने एक छोटा सा इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है रिबन को हाइड या अनहाइड करना। इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो उस पर आ गया ऑटो हाइड रिबन। अब जैसे मैं करूंगी आप देखें पूरी की पूरी रिबन कहाँ चली गई? हाइड हो गई। अब दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कहा शो टैब्स, ये देखें टैब्स शो हो गए। और मुझे अगर पूरी की पूरी रिबन को शो करना है तो मैं कहूंगी शो टैब्स एंड कमांड। अब आप यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा रिबन जो है वो मेरे सामने शो हो गया। अभी जो रिबन है, इस रिबन के आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के अंदर इसके अंदर क्या बने हुए, ग्रुप्स बने हुए। देखें एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये बना हुआ, दूसरा ग्रुप, और ये देखें ये तीसरा ग्रुप आ गया। ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास कमांड है, जैसे कि बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, ये क्या है? कमांड्स होती है। तो ये जो है आपके पास रिबन, आपको समझ में आ गया होगा। हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। रिबन के तीन पार्ट्स होते हैं, कमांड, ग्रुप्स एंड थर्ड क्या था? कमांड, ग्रुप्स और थर्ड था टैब्स। अच्छा जी, अब चलते हैं स्क्रॉल बार। अब ये देखें आपने देखा मैं यहाँ पे साइड पे जो है ये चीज, ये क्या है? स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और यहाँ पे देखें नीचे की तरफ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये देखें, अब ये देखें हमारा डॉक्यूमेंट इतना बड़ा है, ये देखें नीचे की तरफ भी आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये देखें हम इसको ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं जो लास्ट चीज थी जो कि मैंने आपको बतानी थी, वो क्या था आपके पास? स्टेटस बार, के स्टेटस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस बार, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें क्या बताती है कि कितने वर्ड हैं टोटल आपके डॉक्यूमेंट में, आप कौन से पेज पर मौजूद हैं, कितने पेजेस हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको स्टेटस बार बता देती है। और ये देखिए आपके नीचे सामने लिखा हुआ आ रहा था, इंग्लिश यूज की गई है आपके उसमें, और एरर्स हैं कि नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जो आपके स्टेटस बार है। ठीक है बच्चों, अभी हम लेक्चर नंबर 8 यहाँ तक रखते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह न्यू लेक्चर जो है वो मैं लेक्चर नंबर 9 जो है वो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।